हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोगों ने तुलनात्मक राजनीति के स्वरूप व उपागम के बारे में पढ़ना शुरू किया था। उपागम बोलते हैं बेसिकली अप्रोच को। हिंदी मीडियम में कुछ नए नए टर्म्स आपको मिलेंगे और बट धीरे धीरे आप उससे यूज टू हो जाएंगे। पहले हेडिंग डाल लूँ मैं आज का। तुलनात्मक राजनीति के स्वरूप तथा उपागम मीन्स द नेचर एंड अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स राइट। ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। मैं कल की क्लास में स्ट्रेटजी डिस्कशन के दौरान आपको बताया था। अभी मैं लगातार 2-3 दिन ये टॉपिक पढ़ाते समय हर बार एक बार सिलेबस की सामान्य रूपरेखा आपके सामने रखूंगा, क्योंकि तो मेरा मानना है कि जब भी कोई नया सिलेबस आप पढ़ें या नया सब्जेक्ट पढ़ें तो जिस तरीके से सब्जेक्ट के अंदर के कंटेंट पर पकड़ बनानी जरूरी होती है, उससे पहले सिलेबस पूरी तरह से आपको ध्यान में होना चाहिए। तो उतना विस्तार से नहीं बट सामान्य रूप से ये समझ लीजिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभी आप क्या पढ़ रहे हैं। पोल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं। पोल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप ऑप्शनल के 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? पेपर 2 पढ़ रहे हैं। पेपर 2 के कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स। ये बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला कंपोनेंट क्या है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तुलनात्मक राजनीति। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि कई ऐसे बच्चों को मैं देखा हूं कि पूरा सिलेबस पढ़ा दीजिए और उससे पूछ लीजिए लास्ट में जब सिलेबस समाप्त हो रहा हो कि बताइए इसके अंदर कौन कौन से डायमेंशंस के बारे में आपको पढ़ाया गया। आपको बताऊं 5 से 10% ऐसे स्टूडेंट निकल जाते हैं जिनको ये भी नहीं मालूम होता है कि कौन कौन से डायमेंशन पढ़ाए गए, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे अपने स्टूडेंट्स के साथ इस तरह की किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आए। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। दूसरा क्या है? इंटरनेशनल पॉलिटिकल थ्योरीज, या फिर कह सकते हैं थ्योरीज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशनशिप। थ्योरीज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अगर कहीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी लिखा हो तो आप मान के चलेंगे कि इसके साथ थ्योरीज पढ़नी है। और कहीं केवल इतना ही लिख के छोड़ दे कि थ्योरीज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इट मीन्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज इंक्लूडेड, विश्व राजनीति उसमें शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए सिद्धांत है ना, व विश्व राजनीति और तीसरा डायमेंशन इसमें क्या होगा? इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत व विश्व। ठीक, ये ध्यान रहेगा आपको। यही 3 मेजर डायमेंशंस आपको पढ़ने हैं सेकंड पेपर में राइट। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड थ्योरीज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये आपको पार्ट 1 के अंदर आ जाएगा और पार्ट 2 के अंदर इंडिया एंड वर्ल्ड है। तो
दो अलग अलग पार्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों को बराबर बराबर समय देंगे तो हो जाएगा। ये पार्ट ए में आपको अधिक समय देना पड़ेगा, बी में थोड़ा कम में भी चलेगा। ये जीएस का कॉमन पोर्शन है, ठीक है। जीएस पेपर टू के अंदर जो आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं उससे जुड़ा हुआ सेगमेंट है, क्लियर ये बात, ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ, अभी दो तीन दिन तक लगातार मैं ये लिखूंगा, है ना, क्योंकि मेरा मानना है कि स्टूडेंट को केवल थ्योरेटिकली और कंसेप्चुअली ही तैयार नहीं करना चाहिए, टीचर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको विषय वस्तु से मनोवैज्ञानिक रूप से भी जोड़े। और हाँ, मुझे कुछ जानकारी मिली कि आप में से कुछ लोगों का मानना है कि इस सिस्टम पे आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। आपका मानना है कि अगर व्हाइट बोर्ड पे मैं पढ़ाऊँ तो ज़्यादा श्रेयस्कर होगा, हो सकता है आप अपनी जगह सही हो, बट अभी थोड़ा सा आपको मुझे कोऑपरेट करना पड़ेगा इस लिहाज से कि एक तो मैं इस सिस्टम को इसलिए अपना रहा हूँ कि दो चीज़ें हैं, इस पे जो भी मैं लिखूँगा आपको बड़ा सुस्पष्ट रूप से दिखेगा, दिख भी रहा होगा। हाँ, मेरी आवाज़ भी संभवतः आपको ठीक ठाक जा रही होगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ये मेरी नज़र में इसकी मेरिट है। और सबसे बड़ी जो मेरिट है मेरी नज़र में वो ये है कि आप सबको मालूम ही है, आप में से अधिकांश लोग कोई मुझसे अनजान नहीं है और ना मैं आपके लिए अनजान हूँ। मैं कम्यूटिंग फैकल्टी हूँ, कम्यूटिंग फैकल्टी समझ रहे हैं, एक ऐसा टीचर जो कई कोचिंगों में घूम घूम के पढ़ाता है, समझ रहे हैं? तो और एक शहर में मैं नहीं पढ़ाता, अलग अलग जगहों में पढ़ाता हूँ। अब जैसे नेक्स्ट मंथ में दिसंबर फर्स्ट वीक में ही मैं विजयवाड़ा में मैं निकल जाऊँगा क्लास के लिए, आंध्र प्रदेश में, वहाँ मेरी 7-8 दिन की क्लास है। तो जाहिर सी बात है उस समय आपकी क्लास तो रोकूंगा नहीं, आपकी क्लास चलती रहेगी। अगर मैं जैसा आप डिमांड कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग, सब लोग नहीं, अगर व्हाइट बोर्ड पे मैं क्लास लूँगा तो आपको नहीं लगता कि मुझे स्टैटिक हो जाना पड़ेगा एक जगह, है ना? तो ये सबसे बड़ी बाधा मेरे लिए है। मैं नहीं चाहता कि आपकी क्लासेस इरेगुलर हो, और ये बातें स्टूडेंट से साझा नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि आप लोग इमोशनली भी मुझसे कनेक्टेड हो इस वजह से मैं ऐसा बता रहा हूँ। आपको जान के ताजुब होगा कि अभी लेक्चर शुरू हुए 5 मिनट हुए हैं रिकॉर्डिंग का, मैं बता रहा हूँ, नेट 12 बज रहा है, 12 AM रात का, और अभी मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि रीज़न बताने की आवश्यकता है। 8 to 9 hours की क्लासेस मेरी रेगुलर चल रही है। हकीकत तो ये है कि इस समय कोई भी नया बैच स्टार्ट करने की स्थिति में मैं नहीं था, लेकिन बार बार क्योंकि आप लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे, डिमांड्स आ रही थी, तो एक मेरे ऊपर नैतिक प्रेशर सा बन गया था। और ये प्रेशर और अधिक तब हो गया जब एक जगह आपका बैच अनाउंस होके और अनफॉर्चुनेटली उसे टर्मिनेट करना पड़ा, रोकना पड़ा। तो वैसे में वे सारे स्टूडेंट्स जो पिछले एक साल से मुझसे जुड़े हुए थे और लगातार PSIR की डिमांड कर रहे थे, मुझे लगा कि नहीं, अब और अधिक विलंब नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के इमोशन के साथ ये खिलवाड़ हुआ और जो मुझे सूट नहीं करता मेरी पर्सनालिटी को, तो फाइनली मुझे स्टार्ट करना पड़ा, समझ रहे हैं? अभी मैं अगले 1.5-2 घंटे जितनी देर मैं रिकॉर्ड कर सकूं, उसके बाद जाके मैं डिनर करूंगा और फिर सुबह मेरी 9 बजे से क्लास शुरू हो जाती है। तो इस हेक्टिक शेड्यूल से गुजर रहा हूं। अब ये भी नहीं कहूंगा कि इस हेक्टिक शेड्यूल से मैं कब उबर पाऊंगा, क्योंकि खूब कोशिश करता हूं कि एक महीने बाद शायद कुछ रिलैक्स हो जाऊं, बट वो हो नहीं पाता है। तो फिर भी आपकी क्लास को मैं अनियमित नहीं होने दूंगा जितना हो सकेगा मुझसे, बट फिर भी अगर कभी इरेगुलर हो जाए तो आप इस सारी वास्तविक स्थिति को अपने ध्यान में रखेंगे, है ना? व्हाइट बोर्ड पे मुझे भी लगता है कि थोड़ी क्लास आपकी अधिक जीवंत लगती है व्हाइट बोर्ड पर, ना टीचर थोड़ा एक्टिव दिखता है। इस पर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि स्टैटिक सा हो जा रहा है, बट थोड़ा सा अगर यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, उपयोगितावादी लिहाज से, तो मुझे लगता है कि इस पर भी पढ़ा जा सकता है। और कम से कम जो यहाँ टेक्स्ट लिखा जाता है व्हाइट बोर्ड की तुलना में तो अधिक साफ सुथरा दिखता है, ये आवाज़ की साफ सुथरी चली जाती है अब तक। और आप व्हाइट बोर्ड की क्यों बात कर रहे हो, डिजिटल टू डिजिटल ही चलते हैं ना, अगर इसके बाद कुछ करना होगा तो सीधे डिजिटल बोर्ड लगा लेंगे,
है ना। तो छोड़िए अब व्हाइट बोर्ड को, ये होता है ना कि बीच का जो बिचौलिया, अब उस पर विचार मत करिए, है ना। आगे आप पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में जो मॉन्टेस्क्यू की विचारधारा है, तो मॉन्टेस्क्यू इसी में फंस गया था। वो तो बीच वाले जो तबका था, मिडिल क्लास, उसको ठीक से समझ नहीं पाया, और गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स के बीच जो कंपैरेटिव असेसमेंट है उसी को वो तुलनात्मक राजनीति समझ बैठा, और इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था को तुलनात्मक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वो सबसे उत्कृष्ट कोटि की राजनीतिक व्यवस्था करार दे दिया, है ना, जो कि एक संकुचित अवधारणा थी। आगे पढ़ाऊंगा आपको, हो सकता है कल के सेशन में पढ़ाऊं, तो कोई बात नहीं। जो आपकी कंसर्न्स आई थी उस पर मैं आपको बता दिया, तो आशा करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। अभी इसको पढ़िए, अगर बहुत सारे लोगों को दिक्कत आएगी तो ऐसा नहीं है, मैं जहाँ भी जाता हूँ पढ़ाने वहाँ पर ये सब व्यवस्थाएँ होती है, व्हाइट बोर्ड तो लगा ही होता है, मोबाइल लगाएंगे सामने रिकॉर्ड कर लेंगे, है ना। बट कहीं आप पढ़ाने जाते हैं तो उसके सिस्टम पे बोझ पैदा ना करें या बोझ बन ना बने, ये भी ध्यान रखना होता है। तो पढ़ लो ना, इससे पूरी पूरा बैजू की क्लासेस इसी पे चल रही है, पूरी अन एकेडमी इसी सिस्टम पे चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ख़राब है। बट फिर भी देखेंगे आगे, अगर ऐसा हुआ तो सीधे डिजिटल बोर्ड लगाएंगे, क्यों परेशान हो, उसमें और बड़ा बड़ा दिखेगा, है ना, डिजिटल बोर्ड सामने पोडियम रहेगा। अभी लेक्चर पे पूरा ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों पर नहीं। अगर आपको लगता होगा कि ढाई तीन घंटे के लेक्चर से आप बोरियत महसूस कर रहे हैं, तो बोलना मैं एक दिन में एक घंटे सुबह एक घंटे शाम ऐसे करके लेक्चर आपका डलवा दूंगा, या डेढ़ डेढ़ घंटे करके तीन घंटे का, है ना। चलो, कौन सा टॉपिक चल रहा है आपकी क्लास में? द नेचर एंड अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति के स्वरूप तथा उपागम। अप्रोच को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपागम बोलते हैं। याद होगा कल भी मैं इसको चिन्हित किया था, क्योंकि मैं जान रहा हूं कई लोग उपागम शब्द से ही कंफ्यूज होंगे कि क्या है ये, और स्वरूप समझ रहे हैं, स्वरूप को ही बोलते हैं प्रकृति। प्रकृति, आप कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति तथा उपागम, अप्रोच। अप्रोच मीन्स समझने के तरीके, अप्रोच तरीके कहते हैं ना, नहीं कहते कि एग्जाम की तैयारी के लिए अपना अप्रोच सुधारो, अप्रोच मतलब तरीका सुधारो, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे शब्द या छोटी छोटी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती है, जो होता है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, और ऐसा नहीं कि जबरदस्ती के फर्जी के सफोस्टिकेशन फॉलो करने के चक्कर में कोई ऐसी चीज़ छूट जाए जो हम समझ ना पाए, है ना। तो कहीं से भी अंडरस्टैंडिंग को लेकर, समझने बूझने को लेकर आपको कुछ छुपाना नहीं है। जहां समझ में नहीं आता है आपको मैं खुली छूट दिया हूं, तुरंत आप मुझे कॉल करिए कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। टॉपिक को लेकर अगर आप बात करेंगे, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पे मुझे नहीं लगता कि बहुत आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। मेरी खुद कोशिश होगी कि आपके लिए अच्छा से अच्छा करें, है ना। अभी वर्तमान परिस्थितियों में मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट वे आउट है आपको लेक्चर प्रोवाइड करने का, तो इस वजह से मैं इसको रेफर कर रहा हूँ। इसको रेफर करने में मेरा कोई अपना कोई अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं है, बस कंपैटिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, सहूलियत और एक तरह से कंफर्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए टॉपिक पे आ जाइए, तुलनात्मक राजनीति के स्वरूप तथा उपागम। अब जाहिर सी बात है, तुलनात्मक राजनीति के स्वरूप को जानने की दिशा में हम लोगों ने अरस्तु के विचारों के बारे में पढ़ लिया है, है ना। पिछले लेक्चर के बारे में थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक आपको दूंगा, ताकि जो आप पढ़े होंगे, रिवाइज किए होंगे, वो मेरे साथ भी एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी जो भी पढ़ा रहा हूँ कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल मेरे साथ साथ अपने दिमाग में ही आप उसे रिवाइज करेंगे, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ तुलनात्मक राजनीति का क्या मतलब है, तुलनात्मक राजनीति का क्या मतलब है, तो देखिए जैसा कि ये टर्म लिखा हुआ है, इस टर्म से एक बात तो साफ साफ जाहिर हो जाती है ना कि राजनीति की तुलना। तो राजनीति की जब भी आप तुलना करेंगे, एक देश के अंदर भिन्न भिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं तो नहीं हो सकती ना। मैं आपको पिछली क्लास में बताया था
कि कोई देश अपने यहाँ राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए ऐसा तो नहीं करेगा ना कि पहले मान लो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपना लिया 10-20 साल के लिए, फिर कहेगा चलो साहब अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाते हैं, फिर कहेगा चलो सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाते हैं, और तीनों को अपना के फिर वो ऐसा थोड़ी है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा कि कौन हमारे लिए फायदेमंद है कौन नुकसानदायक है, नहीं ऐसे नहीं होता। तो जाहिर सी बात है हमें एक देश से बाहर निकलना पड़ेगा और दो या दो से अधिक देशों में व्याप्त राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना होगा, और अध्ययन करने के साथ ही हम समझ पाएंगे कि कौन सी व्यवस्था उत्तम है कौन सी व्यवस्था उत्तम नहीं है, कौन सी अच्छी व्यवस्था है कौन सी बुरी व्यवस्था है, और अगर कोई व्यवस्था अच्छी है मतलब कोई राजनीतिक व्यवस्था अच्छी है तो क्यों है, बुरी है तो क्यों है, यही तो होगा तुलनात्मक अध्ययन। तो देखिए प्रारंभिक तौर पे जो इस स्ट्रीम का इस विषय वस्तु का नाम था तुलनात्मक राजनीति, और तुलनात्मक राजनीति का अगर स्ट्रेट वे आप देखें तो कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स, राइट, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स, भिन्न भिन्न राजनीतिक प्रणालियों का या राजनीतिक प्रणालियों की तुलना, यही ना, भिन्न भिन्न राजनीतिक प्रणालियों की तुलना। तो ये तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब निकालना हुआ है कि नाम है तुलनात्मक राजनीति, इसका मतलब कि अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों की तुलना, लेकिन जब आप इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे इसका विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि यह टर्म जो है या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि यह जो पद है तुलनात्मक राजनीति ये अपने आप में व्यापक दायरा रखती है। व्यापक दायरा इन ए सेंस कि मान लीजिए दो या दो से अधिक देशों की केवल राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना नहीं बल्कि उसके अंदर खाने में झांक कर हम देखेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने वाले कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं कौन कौन से संस्थान हैं, अलग अलग संस्थानों की भी हम तुलना करेंगे। समझ रहे मेरी बात, संविधान कैसा है अलग अलग संविधानों की तुलना करेंगे। यानी मान लीजिए दो देश, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर इंडिया है ठीक है जी, यहाँ पर ब्रिटेन है। अब अगर आपसे कहा जाए, पोल साइंस के आप विद्यार्थी हैं, आपसे अगर कोई कहे कि बताइए इन दो देशों की अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर कुछ बोलना हो तो क्या बोलेंगे, तो आपको क्या लगता है कि केवल और केवल इंडिया में आप कह लीजिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इस लिहाज से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत और ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणालियों की तुलना ही नहीं हो सकती पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोनों में संसदात्मक व्यवस्था है तो क्या तुलना करेंगे, करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति का तात्पर्य केवल व केवल राजनीतिक प्रणालियों की तुलना तक ही सीमित नहीं है बल्कि संबंधित राजनीतिक प्रणालियों को संचालित करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी तुलना करनी होगी। संबंधित राजनीतिक प्रणालियों की बुनियाद प्रदान करने वाली जो संवैधानिकता है या संवैधानिक व्यवस्था है उसकी भी तुलना करेंगे। तो जब तुलनात्मक राजनीति के दायरे को आप व्यापक करेंगे तो आपके पास तुलना के अवसर भी बढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात, वही मान लीजिए अगर इंडिया और यूएसए में कंपैरिजन करना हो तुलनात्मक राजनीति का तो आपके इस हेडिंग के अनुकूल ये पूरी तरह से उपयुक्त बैठ जाएगा कि चलो साहब इंडिया में संसदात्मक व्यवस्था है और यूएसए में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है तो साफ साफ दो भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं हैं, हम तुलना कर लेंगे, है ना। लेकिन अगर दो देशों में अध्यक्षात्मक व्यवस्था हो या दो देशों में संसदात्मक व्यवस्था हो तो वैसे में तुलना कैसे करेंगे, वैसे में तभी तुलना संभव है जब तुलनात्मक राजनीति के दायरे को आप व्यापक करेंगे। केवल व केवल समान राजनीतिक प्रणालियां होना ही इस बात का द्योतक नहीं है कि तुलना केवल वहीं तक सीमित है। अगर समान है तो समानों में तुलना नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है, समानों में भी तुलना हो सकती है। किस आधार पर होगी, इंस्टीट्यूशंस के आधार पर होगी। किस आधार पर होगी, फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर होगी। किस आधार पर होगी, उस राजनीतिक प्रणाली के दायरे में आने वाले लोगों के आधार पर होगी। अब ब्रिटेन के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, पीपल ऑफ ब्रिटेन, और भारत के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं क्या एक जैसी है, नहीं है।
अलग अलग एस्पायरेशंस होंगी, क्योंकि समय काल व परिस्थितियों के अनुसार व्यक्तियों की जो आकांक्षाएं हैं वो बदलती रहती हैं। लिहाजा तुलनात्मक राजनीति का जो दायरा है बहुत व्यापक है। तो इसका लबोलवाब ये है, मैं नट सेल में आपसे बताऊं कि तुलनात्मक राजनीति का मतलब हुआ दो से अधिक देशों की, पहली बात, राजनीतिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन, संवैधानिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, राजनीतिक संस्थानों का तुलनात्मक अध्ययन। अब देखिए, इंडिया और ब्रिटेन में भी अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो सीधे आ जाओ, इंडिया की पार्लियामेंट किससे किससे मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। और अगर ब्रिटेन की पार्लियामेंट की बात करें तो किससे किससे मिलकर बनेगी, हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स प्लस ब्रिटिश क्राउन, इन तीन से मिलकर ब्रिटेन की पार्लियामेंट बन रही है। अब बताइए, क्या इन इंस्टीट्यूशंस का आपस में कंपैरेटिव असेसमेंट नहीं हो सकता? आप लोकसभा और हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच तुलना कर सकते हैं, भारत की राज्यसभा और इंग्लैंड की लॉर्ड सभा के बीच तुलना कर सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति और इंग्लैंड के मोनार्क के बीच तुलना कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि तुलनात्मक राजनीति का दायरा केवल राजनीतिक व्यवस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित अन्य व्यवस्थाएं भी इसके दायरे में आती हैं। और उन सबके मध्य जो विश्लेषण किया जाता है उसे हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। ठीक, तो समय के साथ तुलनात्मक राजनीति का दायरा व्यापक हुआ। एनीवे, हमने पिछली क्लास में अरस्तु के बारे में पढ़ा था, अब इसे मिटा देता हूं मैं पूरा। अरस्तु के बारे में, और अरस्तु जिस कालखंड से ताल्लुकात रखते थे वो जाहिर सी बात है राजनीतिक व्यवस्था का प्राचीन काल था, है ना, राजनीतिक व्यवस्था का प्राचीन काल था। और आप सबको मालूम है कि राजनीतिक व्यवस्था के प्राचीनतम काल में अरस्तु पहला कोई दार्शनिक था जिसने तुलनात्मक राजनीति को लेकर अपना मंतव्य व्यक्त किया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को लेकर अपने विचार प्रकट किया। अरस्तु से पहले तुलनात्मक राजनीति को लेकर किसी भी राजनीतिक दार्शनिक ने, पॉलिटिकल फिलोसोफर ने, पॉलिटिकल थिंकर ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को लेकर अपना विचार प्रकट नहीं किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये यूनानी थे, यूनानी। और देखिए, जितने दार्शनिक आप पाएंगे ना, हर दार्शनिक का जो विचार या जो उसकी उसकी थॉट है, किस तरह की व्यवस्थाओं में उसका थॉट पैदा हुआ, अपने देश की व्यवस्थाओं में, क्योंकि वो जिस देश में रहता था या जिस देश से उसकी ताल्लुकात होती थी, जाहिर सी बात है वहीं की व्यवस्थाओं से वो वाकिफ था, और उन्हीं व्यवस्थाओं को देखते हुए सबने अपने अपने थॉट दिए अलग अलग समय में। अरस्तु के साथ भी यही, अरस्तु उन दिनों यूनान के, क्योंकि उस समय आज का जो आप नेशन स्टेट सिस्टम पढ़ते हैं, राष्ट्र राज्य प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था के प्राचीन काल में राष्ट्र राज्य प्रणाली जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था, कोई कंसेप्ट नहीं था। उस समय क्या था, नगर राज्य प्रणाली थी। आप कह सकते हैं कि नगर राज्य प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जो राष्ट्र राज्य प्रणाली का अल्प विकसित रूप है, समझ रहे मेरी बात, यानी नगर राज्य प्रणाली का जो विकसित रूप है, डेवलप्ड फॉर्म, ये आपका राष्ट्र राज्य प्रणाली हुआ। तो चूंकि प्रारंभिक दौर की बात है, यूनान के नगर राज्यों में, अलग अलग नगर राज्यों में अलग अलग तरह की राजनीतिक प्रणालियां व्याप्त थी, अलग अलग तरीके से शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन हुआ करता था, और उन सभी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने को लेकर अरस्तु के मन में विचार आया। और फिर अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु ने यूनान के कुल 158 नगर राज्यों में अपने अपने शिष्यों को, अपने अपने विद्यार्थियों को भेजा और कहा कि जाओ और हर एक नगर राज्य में व्याप्त जो राजनीतिक प्रणालियां हैं उसकी इतिवृत्तियां तैयार करो, उसकी केस स्टडीज लाओ मेरे पास, उसकी रिपोर्ट लाओ, केस स्टडीज, और बताओ कि किसी नगर राज्य में जो खास प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है तो वह कितनी कारगर है, और अगर किसी खास प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है तो किन वजहों से वैसी व्यवस्था है,
क्योंकि कोई भी आप राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था कुछ भी करेंगे, सब कुछ लोगों के इर्द गिर्द ही घूमती है ना, लोगों के इर्द गिर्द। तो आपको केवल व केवल व्यवस्था का ही अध्ययन नहीं करना होता है, बल्कि यह व्यवस्था किसके लिए है उसका भी अध्ययन करना होगा। अब जरा सोचिए, किसी देश के लोग बड़े ही सज्जन हो, बड़े ही शरीफ हो, सुलझे हुए हो, तो आपको नहीं लगता कि वैसे देश में बहुत हार्श कानून की कोई आवश्यकता नहीं? और किसी देश में लोग बेहद उदंड किस्म के हों, तो वैसे में संभव है कि वहां पर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, राज व्यवस्था का कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए हार्श कानून बना हो? हार्श मतलब थोड़े कठोर कानून। खैर, इन तमाम अलग अलग मानकों पर अरस्तु के विद्यार्थियों ने केस स्टडीज तैयार की, इनके सामने सुपुर्द किया, और फिर अरस्तु उस पर अपना कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अरस्तु का निष्कर्ष क्या था। भाई, अरस्तु ने कहा कि देखो जी, कुल 6 प्रकार की शासन प्रणालियां हो सकती है, 6 प्रकार की शासन प्रणालियां। अब बताइए, 6 प्रकार की शासन प्रणालियों के बारे में बताने से पहले इन्होंने एविडेंस के रूप में किसे लिया? एविडेंस के रूप में यूनान के नगर राज्यों को लिया ना, यूनान के नगर राज्यों को लिया। यूनान के नगर राज्यों में किस तरह की प्रणालियां व्याप्त थी, उसी के आधार पर इन्होंने अपना एविडेंस इकट्ठा किया। तो आप ये नहीं कह सकते कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को लेकर समस्त विश्व में जो व्यवस्थाएं उपलब्ध थी उन सबका सर्वे करके अरस्तु ने अपनी रिपोर्ट दी हो या रिपोर्ट तैयार की हो। नहीं, अरस्तु का जो रिपोर्ट कार्ड है वो कहीं ना कहीं संकीर्ण है। और इन्हीं का क्या, हर एक थिंकर की जो रिपोर्ट आप पाएंगे उसकी अपनी संकीर्णताएं होंगी, उसकी अपनी लिमिटेशंस होंगी। क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया कि ये जितने जितने ये फिलोसफर्स थे, मतलब पॉलिटिकल फिलोसफर्स, ये केवल व केवल अपने देश की जो, अपने देश में जो व्याप्त परिस्थितियां थी, जो हालात थे, क्योंकि उसी माहौल में ये रहते थे और वहां पर इन्होंने जो जो अवलोकन किया उसी के आधार पे दे डाले फिलोसफी, दे डाले अपने थॉट, है ना। बट एनीवे, ये 6 प्रकार की जो शासनिक प्रणालियों की बात करते हैं या राजनीतिक प्रणालियों की बात करते हैं, वे कौन कौन सी प्रणालियां हैं आपको याद होगा, एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। पहला इन्होंने बताया राजतंत्र। अब जाहिर सी बात है, राजनीतिक व्यवस्था के प्राचीनतम काल की हम बात कर रहे हैं तो उन दिनों मोनार्की प्रोमिनेंट थी, तो राजतंत्र पर इनका सबसे पहले रुझान गया। और आपने ये भी देखा कि राजतंत्र से ही प्रारंभ होते हैं अरस्तु और राजतंत्र में ही आकर मिल जाते हैं, मतलब इनके विचार मिल जाते हैं। अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों द्वारा इकट्ठे किए गए साक्ष्यों को आधार बनाकर तुलनात्मक राजनीति के संदर्भ में जो विश्लेषण तैयार किया वो 2 आधारों पर था। पहला, शासन के स्वरूप क्या होते हैं। इन्होंने कहा कि शासन के 2 स्वरूप हो सकते हैं, एक शासन का सामान्य कोटि, यानी सामान्य कोटि का शासन, और दूसरा असामान्य कोटि। असामान्य का मतलब यहां विलक्षण नहीं बल्कि भ्रष्ट, भ्रष्ट कोटि का शासन, कोटि मतलब प्रकार। तो अरस्तु ने कहा कि शासनिक व्यवस्थाएं 2 ही तरह की होंगी, 2 ही तरह की, या दो ही परिस्थितियों को लक्षित करके होंगी, एक सामान्य परिस्थिति, और सामान्य परिस्थिति में उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, यानी हुक्मरान भी अपने दायित्व का ठीक तरीके से निर्वहन करेगा, लोगों का भी जन कल्याण होता रहेगा, लोगों को अपने हुक्मरान से कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन एक दूसरा होगा भ्रष्ट कोटि का शासन। भ्रष्ट कोटि का शासन एक ऐसी व्यवस्था की तरफ इशारा करता है जहां हुक्मरान स्वार्थी हो, निरंकुश हो, उसे जन सरोकार से कोई मतलब ना हो, लोक कल्याण को बहुत ज्यादा तरजीह ना देता हो। जाहिर सी बात है, वैसे में आम जनता क्या होगी, हैरान होगी, परेशान होगी, अपने हुक्मरान से, अपने शासक से मुक्ति चाहेगी। यही 2 तरह की व्यवस्थाएं बताएं, सामान्य कोटि की व्यवस्था और भ्रष्ट कोटि की व्यवस्था। सामान्य कोटि की व्यवस्थाओं के तहत किस किस तरह की शासनिक प्रणालियां देखने को मिलेगी, भ्रष्ट कोटि की व्यवस्था को इंगित करने वाली कौन कौन सी शासनिक प्रणालियां होगी,
और इस तरह से कुल इन्होंने 6 शासनिक प्रणालियों की बात की। 6, एक तो राजतंत्रात्मक हो गया, इन्होंने कहा कि सामान्य हालात में राजतंत्र बेहतर व्यवस्था है। राजतंत्र यानी इसमें राजा निस्वार्थ भाव से अपनी प्रजा की देखभाल करेगा और प्रजा को राजा से कोई शिकायत नहीं होगी, यह सामान्य कोटि का शासन है। लेकिन इन्होंने कहा कि उपलब्ध इतिवृत्तियों के आधार पर, केस स्टडीज के आधार पर यह भी पाया गया कि कई जगहों पर राजतंत्र निरंकुशता की राह पर चल पड़ा, टोटालिटेरियनिज्म की राह पर चल पड़ा। और जब राजतंत्र निरंकुशता की राह पर चलता है तो वैसे में शासनिक व्यवस्था सामान्य कोटि की नहीं रह जाती, भ्रष्ट कोटि में तब्दील हो जाती है, भ्रष्ट प्रकार की हो जाती है। यानी जब राजा निरंकुश हो जाए, जनता के कल्याण से उसे बहुत मतलब न रहे, वह केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि की दिशा में कदम उठाए, अपनी स्वार्थ सिद्धि पर अधिक से अधिक बल दे, तो वहीं पर राजतंत्र किसमें तब्दील हो जाता है? निरसंस तंत्र में। यानी जब राजतंत्र निरंकुश राजतंत्र में बदल जाए तो उसी को हम निरसंस तंत्र कहेंगे, निरसंस तंत्र। टायरेनी, ये क्या है? मोनार्की। क्लियर है यह बात? और जब राजा निरंकुश हो जाएगा, टायरेनिकल हो जाएगा, राजतंत्र निरसंस तंत्र में तब्दील हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है आम जनता के बीच विद्रोह की चिंगारी फूटेगी और संपूर्ण जनता राजा के अगेंस्ट नहीं जाएगी, बल्कि आम जनता के कुछ गिने चुने प्रतिनिधि, जो आमतौर पर समाज के संभ्रांत लोग होंगे, जागरूक लोग होंगे, वे इस आप कह सकते हैं निरंकुश राजतंत्र के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, फिर इस राजतंत्र को बदल डालेंगे और बदलने के बाद अपनी हुकूमत स्थापित कर लेंगे। और उस हुकूमत को क्या बोला जाएगा? अभिजात तंत्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। तो देखिए, सामान्य व्यवस्था को बदलने वाली व्यवस्था कैसी रही? भ्रष्ट व्यवस्था। और भ्रष्ट व्यवस्था को बदलकर जो दूसरी व्यवस्था आएगी, जाहिर सी बात है यह सामान्य व्यवस्था होगी, सामान्य कोटि की व्यवस्था। सामान्य कोटि की व्यवस्था का मतलब हुआ कि एक ऐसी व्यवस्था जो भ्रष्ट ना हो। अब देखिए, अभिजात तंत्र यानी गिने चुने जागरूक लोगों द्वारा, धनवान लोगों द्वारा सत्ता पर कब्जा कर लिया गया। अब जरूरी नहीं कि ये लोग हमेशा हमेशा अच्छे तरीके से ही शासन चलाएं, संभव है कि कुछ समय के बाद इन अभिजात लोगों के मध्य गुटबाजी होने लगे और इन्हीं में से कोई गुट सत्ता पर कब्जा कर ले। अब सत्ता पर कब्जा करेगा तो जाहिर सी बात है अगली व्यवस्था कौन सी आएगी? गुट तंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ओलिगार्की। अब देखो, अगर अभिजात तंत्र सामान्य कोटि की व्यवस्था है तो गुट तंत्र कैसी होगी? भ्रष्ट कोटि की व्यवस्था। अब ये जो गुटबाजी हो गई तो जाहिर सी बात है अब विद्रोह का स्वर कौन गुंजायमान करेगा? अब विद्रोह के स्वर जनसामान्य की तरफ से निकलेगा, यानी निर्धन गरीब इत्यादि लोगों द्वारा विद्रोह किया जाएगा इस व्यवस्था के अगेंस्ट। और फिर यहीं पर किसकी शासन व्यवस्था स्थापित होगी? बहुतंत्र को पोलिगार्की स्टैब्लिश होगी, बहुतंत्र। तो बताओ, अगर गुट तंत्र भ्रष्ट कोटि की व्यवस्था थी तो बहुतंत्र कैसी होगी? सामान्य कोटि की व्यवस्था। अब बहुतंत्र बेसिकली जन सामान्य द्वारा चलाई जा रही हुकूमत है, लेकिन अरस्तु पाता है कि जन सामान्य भी गलत रास्ता इख्तियार कर सकता है। यानी यहां पर जो जन सामान्य की हुकूमत है, यह हुकूमत भी एक समय के साथ निरंकुशता की तरफ अग्रसर होगी, मनमानी करेगी, जन कल्याण के रास्ते से विमुख होगी, भ्रष्ट व्यवहार अपनाएगी। और जब बहुतंत्र विकृत होगा, भ्रष्ट होगा, तो इसी का जो भ्रष्ट स्वरूप होगा
वो क्या कहलाएगा? लोकतंत्र। मीन्स लोकतंत्र जन सामान्य द्वारा चलाई जाने वाली शासनिक व्यवस्था है, लेकिन कैसा जन सामान्य? जो भ्रष्ट हो, समझ रहे मेरी बात? और जब लोकतंत्र को पलटा जाएगा, यानी जो यह भ्रष्ट तंत्र है, भ्रष्ट लोगों की हुकूमत है, जब इसको बदलना होगा तो बदलने के लिए कौन आएगा? कोई ना कोई देश में करिश्माई नेता पैदा होगा, और वह करिश्माई नेता लोकतंत्र के विरुद्ध आंदोलन करेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करेगा, और समाप्त करके पुनः वो राजतंत्र स्थापित करेगा, स्वयं राजा बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो अगर आपसे कोई पूछे कि अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र सामान्य कोटि की शासनिक व्यवस्था है कि भ्रष्ट कोटि की, तो आपका जवाब क्या होगा? भ्रष्ट कोटि की। तो इस तरीके से अरस्तु के द्वारा तुलनात्मक राजनीति के संदर्भ में जो विचार प्रकट किया गया, पहला विचार यह है कि उन्होंने बताया कि 6 प्रकार की शासन प्रणालियां हैं, और ये शासन प्रणालियां कैसी हैं? ये बदलती रहती हैं। यानी राजतंत्र नृशंस तंत्र में बदलेगा, नृशंस तंत्र अभिजात तंत्र में बदलेगा, समझ रहे मेरी बात? ये बदलती रहती है, ये रोटेटिंग है, मतलब कोई भी राजनीतिक प्रणाली स्थिर नहीं है। अरस्तु क्या कहता है? कुल 6 राजनीतिक प्रणालियां हैं, दूसरी बात क्या कहता है, अभी कुछ आप लिखेंगे नहीं, केवल समझेंगे, क्योंकि पहले समझ चुके हैं, उसी को मैं रिवाइज करा रहा हूं। कोई भी राजनीतिक प्रणाली स्थिर नहीं है। राजनीतिक प्रणालियां 2 तरह की हो सकती हैं, 2 तरह की। कौन कौन सी? एक सामान्य प्रकार की तथा दूसरी भ्रष्ट प्रकार की। भ्रष्ट प्रकार की, उसने राजतंत्र को, अभिजात तंत्र को तथा बहुतंत्र को किसकी श्रेणी में रखा? सामान्य प्रकार की राजनीतिक प्रणाली की श्रेणी में रखा। देखो, राजतंत्र सामान्य प्रकार की, अभिजात तंत्र सामान्य प्रकार की, बहुतंत्र सामान्य प्रकार की, क्लियर है? भ्रष्ट प्रकार की व्यवस्था उसने किसको कहा? उसने भ्रष्ट प्रकार की व्यवस्था बोला नृशंस तंत्र को, भ्रष्ट प्रकार की व्यवस्था है। उसने गूढ़ तंत्र को क्या बोला? भ्रष्ट तंत्र, भ्रष्ट प्रकार की। लोकतंत्र को क्या बोला? भ्रष्ट प्रकार की। तो अगर आपसे कोई कहे कि अरस्तु का लोकतंत्र को लेकर क्या विचार रहा, लोकतंत्र जैसी प्रणाली के बारे में क्या विचार रहा, यह सामान्य कोटि की प्रणाली है या भ्रष्ट कोटि की, तो जवाब क्या होगा? भ्रष्ट कोटि की। अब देखिए, ये तो उसने अपनी स्टडी पेश की, अपना अध्ययन पेश किया, समझ रहे हैं, अपना रिसर्च शो किया आपके सामने, लेकिन केवल खामियां या अच्छाइयां गिना देना ही काफी नहीं है। अगर आपने खामियां गिनाई है, एक भी खामी, तो आपको उसका रिमेडी बताना होगा, उसका उपचार सुझाना होगा। अरस्तु गैर जिम्मेदार नहीं है, उसने अपने अनुसार निष्कर्ष भी दिया, और निष्कर्ष किस संदर्भ में दिया? क्योंकि उसने देखा कि कोई भी राजनीतिक प्रणाली स्थिर नहीं है, तो निष्कर्ष इस संदर्भ में आना था कि ऐसी कौन सी व्यवस्था अपनाई जाए, ऐसी कौन सी व्यवस्था अपनाई जाए जिससे राजनीतिक व्यवस्था स्थिर हो जाए, और न सिर्फ स्थिर हो, वह सामान्य कोटि की भी हो। तो अरस्तु का निष्कर्ष 2 आयामों पर निर्भर करता है। किस पर? अरस्तु का निष्कर्ष 2 आयामों पर आधारित है। पहला, शासन प्रणाली को कैसे स्थिर किया जाए, स्थिर किया जाए, स्टेबल किया जाए। हाउ अ पॉलिटिकल सिस्टम कैन बी मेड स्टेबल, राइट? हाउ अ पॉलिटिकल सिस्टम
कैन बी मेड स्टेबल, राइट। इसके अलावे उसका क्या रुझान था कि कैसे या कौन सी राजनीतिक प्रणाली, कौन सी प्रणाली सामान्य कोटि की बनी रह सकेगी। बनी रह सकेगी का मतलब कि लंबे समय तक बनी रह सके, क्योंकि जब वो स्थिर हो जाएगी और स्थिर होने के बाद जो स्वरूप दे दिया जाएगा जाहिर सी बात है वही बना रहेगा। जब तक राजनीतिक प्रणालियां स्थिर नहीं है तब तक उनका स्वरूप बदलेगा, कभी वो सामान्य कोटि की होंगी कभी भ्रष्ट कोटि की होंगी। लेकिन अगर किसी ऐसी प्रणाली को चुन लिया जाए जो स्थिर प्रकार की हो, सामान्य कोटि की हो, तो सारी समस्या मिट जाएगी। मीन्स राजनीतिक प्रणाली स्थिर भी हो और सामान्य कोटि की भी हो। अगर मान लीजिए स्थिर हो और भ्रष्ट कोटि की होती है तो डिजास्ट्रस हो जाएगा। तो उसके लिए क्या रेमेडी बताया अरस्तु? उसके लिए अरस्तु कहता है कि आपको पेन लेने की जरूरत नहीं है, दर्द उठाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करिए, बहुतंत्र को और अभिजात तंत्र को आपस में मिला दीजिए। बहुतंत्र प्लस अभिजात तंत्र, समझ रहे हैं मेरी बात? इनको आपस में मिक्स कर दो। बहुतंत्र को क्या बोला गया? ओलिगार्की प्लस अरिस्टोक्रेसी। बहुतंत्र तथा अभिजात तंत्र। और सलाह दिया कि यह जो नई व्यवस्था होगी इसको बोलेंगे हम मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। या मिक्स्ड पॉलिटिकल सिस्टम। तो अरस्तु के सपनों की राजनीतिक प्रणाली कैसी होनी चाहिए? मिश्रित संवैधानिक या मिश्रित संविधान, या फिर आप कह लीजिए मिश्रित राजनीतिक प्रणाली। अरस्तु के मिश्रित राजनीतिक प्रणाली का तात्पर्य है बहुतंत्र तथा अभिजात तंत्र का एक साथ मिला दिया जाना। और जब बहुतंत्र, बहुतंत्र के बारे में मालूम है ना, बहुतंत्र क्या है? देखिए यहां बहुसंख्यकों का शासन। और इस बहुसंख्यक में कौन लोग आएंगे? आमतौर पे गरीब और गरीब गुरबे लोग आएंगे, निर्धन लोग आएंगे, अति सामान्य श्रेणी के लोग आएंगे। अभिजात तंत्र में उत्कृष्ट श्रेणी के लोग आएंगे, मच अवेयर्ड पीपल, जिसको कह सकते हैं आप, जो अत्यधिक जागरूक है, जो वर्तमान में आप कह लीजिए आज का जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है ना। तो और उसे सलाह दिया अरस्तु ने कि जब दोनों को आपस में मिला देंगे तो देश की जो हुकूमत है, जो शासनिक व्यवस्था है, वो किसके द्वारा चलाई जाएगी? इन जागरूक लोगों द्वारा, अभिजात तंत्र के लोगों द्वारा, मिडिल क्लास के लोगों द्वारा। लेकिन यह निरंकुश नहीं होगा। क्यों निरंकुश नहीं होगा? क्योंकि इसका दायित्व तो बनेगा कि ये देश के सामान्य लोगों को भी विश्वास में लेकर शासन चलाए। यानी एक ऐसी शासनिक व्यवस्था जो योग्य लोगों द्वारा संचालित होगी तथा सामान्य लोगों का समर्थन प्राप्त होगा, उसी व्यवस्था को उन्होंने कहा मिश्रित संविधान। मिश्रित संविधान, और यह व्यवस्था टिकाऊ होगी। यह व्यवस्था सामान्यतः भ्रष्ट नहीं हो सकेगी, यानी सामान्य कोटि की व्यवस्था होगी, टिकाऊ भी और सामान्य कोटि की भी। क्लियर है? कहने का मतलब कि मिश्रित संवैधानिक व्यवस्था या मिश्रित राजनीतिक व्यवस्था सामान्य कोटि की होगी प्लस टिकाऊ होगी। तो इस तरह से तुलनात्मक राजनीति के संदर्भ में यही अरस्तु के विचार हैं। अब हम आगे बात करेंगे इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में निकोली मेकियावेली के विचार। अब हेडिंग डालेंगे, ये बिल्कुल फ्रेश।
तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में निकोली मेकियावेली के विचार। है ना, तो कह सकते हैं द आइडियाज ऑफ निकोली मैकियावेली, पहली बात, ये जो निकोली मैकियावेली था ये इटालियन पॉलिटिकल फिलोसफर था, ठीक है, अभी अभी आपने अरिस्टोटल के बारे में पढ़ा, अरिस्टोटल कहां का था, यूनान का था, यूनान, राजनीतिक व्यवस्था के प्राचीन काल को यह इंगित करता है। लेकिन आपको बताऊं, अरस्तु के बाद कई शताब्दियों तक तुलनात्मक राजनीति के संदर्भ में किसी ने अपना विचार प्रकट नहीं किया। 15वीं सदी के उत्तरार्ध में, है ना, आप कह सकते हैं कि 1450 के बाद, 1450 ईस्वी के बाद निकोली मैकियावेली पहला विचारक आया जिसने तुलनात्मक राजनीति के संदर्भ में मुखर होकर अपना विचार प्रकट किया। समझ रहे हैं मेरी बात, मतलब अरस्तु के बाद दूसरे नंबर पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अपनी बातें रखने वाला कौन आया, निकोली मेकियावेली, निकोली मेकियावेली। अब जाहिर सी बात है, जैसे अरस्तु के संदर्भ में हमने सीखा कि वह यूनान को कंटेक्स्ट बनाता है, यानी यूनान के कंटेक्स्ट में ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को लेकर अपना विचार रखता है वो, और उसी को मान लेता है कि पूरे विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में उसका विचार है, जो कि अर्ध सत्य है। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, निकोली मेकियावेली ये इटली में चूंकि राजतंत्र था तो जो भी इसके मन में विचार आए तुलनात्मक राजनीति को लेकर वो बेसिकली इटली के राजा को लेकर ही उसी के इर्द गिर्द घूमता रहा, और इसके मन में ये ख्याल आते रहे कि इटली का राजा कैसा होना चाहिए, अभी जो है क्या ये उचित है, अगर ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, तो इस तरह के इसके मन में विचार आए। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका भी जो सैंपल साइज था वो बड़ा संकीर्ण था, और इसका क्या लगभग सभी थिंकर्स के साथ यही हाल थी। तमाम तो ऐसे आपको थिंकर्स मिलेंगे जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि कैसे बोलते हैं कि राजाओं के पास, राजा महाराजाओं के पास उनके दरबारी लेखक हुआ करते थे, तो ये सब एक दरबारी थिंकर्स ही थे एक तरह से कह लीजिए। एनीवे, इन्होंने भी राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अपने विचार रखे, और इसके साथ एक खासियत ये थी कि ये केवल व केवल पॉलिटिकल सिस्टम पर ही फोकस नहीं किया। आप देख रहे होंगे अरस्तु सबसे अधिक पॉलिटिकल सिस्टम पर फोकस करता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे बदल रहा है, राजनीतिक प्रणाली कैसे बदल रही है, कैसे राजनीतिक प्रणाली को स्थिर करेंगे, कौन सी राजनीतिक प्रणाली सामान्य कोटि की है, कौन सी राजनीतिक प्रणाली भ्रष्ट कोटि की है, इसी के इर्द गिर्द अरस्तु बोलते जा रहे हैं या अपना विचार रखते जा रहे हैं। लेकिन मैकियावेली ऐसा नहीं करता, मैकियावेली राजनीतिक प्रणाली की तो बात करता ही है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ध्यान, ये ध्यान रखिएगा, इससे कहीं ज्यादा ध्यान ये लोगों पर देता है। लोगों पर मतलब कि अमुक राजनीतिक प्रणाली किस तरह के लोगों को ध्यान में रख के काम कर रही है, यानी अमुक राजनीतिक प्रणाली किस तरह के लोगों के ऊपर लागू की जा रही है, लोग कैसे हैं, सबसे अधिक ये बल दिया है लोगों पर। और इसने कहा है कि अगर किसी देश के लोग सचरित्र हों, सचरित्र हों, तो इसके लिए एक खास प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम होगी। ध्यान से समझिएगा, एक खास प्रकार की राजनीतिक प्रणाली होगी, या फिर हुक्मरान को, शासक को
एक खास तरह के तरीके अपनाने होंगे, और दूसरा जिस देश के लोग दुष्चरित्र हों उस देश के हुक्मरान को या उस देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को अलग तरह के हथकंडे अपनाने होंगे। और मैकियावेली कहता है कि जिस देश के लोग सच्चरित्र हों उस देश के अंदर जो शासन प्रणाली अपनाई जाएगी और उस शासन प्रणाली में जिस किसी के माध्यम से भी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होगा, कहने का मतलब हुक्मरान के माध्यम से, शासक के माध्यम से, वहां शासक को बहुत कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा, शासक को बहुत लोड नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि लोग सच्चरित्र हैं, लोग सज्जन हैं, लोग अच्छे हैं, शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था स्मूथली चलती रहेगी। तो वहां राजा को, चूंकि राजतंत्रात्मक व्यवस्था के दौर में था, ये इटली में राजतंत्रात्मकता थी, लिहाजा ये शासक को, हुक्मरान को हमेशा राजा मानते हुए ही पेश किया है मैकियावेली, समझ रहे मेरी बात। तीसरे कहा कि अगर जनता सच्चरित्र हो, सच्चरित्र मतलब सभ्य हो, सज्जन हो, तो राजा को कोई बहुत समस्या नहीं है। लेकिन अगर आम जनता यानी प्रजा दुष्चरित्र हो, नालायक हो, तब उस स्थिति में राजा को मेहनत करनी पड़ेगी, राजा को विशेष रणनीतियों का अनुपालन करना पड़ेगा। और फिर यह सलाह देता है कि वैसी स्थिति में राजा को किन किन स्ट्रेटेजिकल आस्पेक्ट्स पे काम करने पड़ेंगे, किन किन रणनीतिक संदर्भों पे काम करने पड़ेंगे। सच्चरित्र लोगों की हुकूमत चलाने वाले हुक्मरान को लेकर मैकियावेली चिंतित नहीं है। मैकियावेली किसको लेकर चिंतित है? उस शासक को लेकर चिंतित है जो दुष्चरित्र लोगों की हुकूमत चला रहा है, या जिसका दायित्व उन लोगों के लिए शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन को सुनिश्चित करना है जहां लोग कुपात्र हैं। अब देखिए, जो मैं ये टर्म यूज कर रहा हूं, आप इसको डिसअप्रूविंग रूप में नहीं लेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स ने बड़ा विवाद रूप से अपनी बातें रखी है, और ये जो भी टर्म मैं यूज कर रहा हूं ये अप्रूव टर्म्स है, ये यूज होते हैं, स्वार्थी, निकम्मा, नलायक, इस तरह के, धूर्त, कायर, इस तरह के खूब शब्द इस्तेमाल होंगे, है ना। इसको डिसेंसी और इनडिसेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं लेंगे, आप एग्जाम में भी इसका इस्तेमाल करेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि सर इनफॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ये इनफॉर्मल शब्द नहीं है, ये अलाउड है ना। ये ठीक वैसे ही है जैसे केमिस्ट्री पढ़ते समय आप पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये पोल साइंस के पोटेशियम कैल्शियम है। एनीवे, तो ये कहता है कि अगर लोग दुष्चरित्र हैं तो वैसे लोगों का जो हुक्मरान होगा, जो शासक होगा, जो प्रिंस होगा, मैकियावेली प्रिंस शब्द कह के संबोधित करता है अपने राजा को, और कहता है कि राजा, वैसे राजा को यह सलाह देता है, वैसे राजा को सलाह देता है, कैसे राजा को, वह राजा जिसके राज्य के लोग दुष्चरित्र हैं। और एक बात और बता दूं, मैकियावेली आमतौर पर लोगों पर भरोसा नहीं करता, इसका यह मानना है कि अधिकांश लोग दुष्चरित्र ही हैं, सच्चरित्र लोग बहुत कम हैं। इसलिए मैकियावेली का साफ साफ कहना है कि सच्चरित्र लोगों के हुक्मरान के बारे में हमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं, हमें चिंता करनी है उन शासकों की, उन राजाओं की, जिनकी प्रजा निकम्मी है, जिनकी प्रजा उदंड है। और फिर यह सलाह देता है कि देखो जी, राजा को एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्तित्व तो होना चाहिए जिसमें शेर तथा लोमड़ी दोनों के गुण समाहित हो। क्या कहता है? शेर तथा लोमड़ी दोनों के गुण समाहित हो। अभी केवल आप फोकस करेंगे मेरी बातों को समझने पर, और साथ में अगर कुछ लिखना चाहें तो बस इस तरह से जैसे जैसे मैं गोला करके लिख रहा हूं वैसे ही लिखें। अभी मेरी एक एक बात को सुन के आप लिखने का प्रयास करेंगे तो फिर समझने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मैं आपको एक अच्छी भाषा शैली में इसको लिखवा दूंगा, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैकियावेली क्या कहता है? राजा को, क्योंकि अधिकांशतः दुष्चरित्र लोगों पर ही हुकूमत चलानी है, लिहाजा उसे पूरी तरह से अपने को
प्रिपेयर्ड रखना चाहिए, अपने को मजबूत बनाए रखना चाहिए। और राजा को मजबूत, राजा अपने को मजबूत तभी बना सकता है जब उसके अंदर शेर तथा लोमड़ी दोनों के गुण हो। मैकियावेली क्यों चाहता है कि राजा में शेर जैसा गुण हो? शेर जैसा गुण इसलिए कि शेर साहस का प्रतीक है, यानी राजा कैसा होना चाहिए? साहसी होना चाहिए। लोमड़ी किसका प्रतीक है? धूर्तता के, चालाकी की, चालाकी। तो चाहता है कि राजा धूर्त भी रहे, चालाक भी रहे। केवल राजा शेर जैसा साहसी रहेगा तो भी काम नहीं बनेगा, और केवल राजा लोमड़ी जैसा चालाक रहेगा तो भी काम नहीं बनेगा। एग्जाम्पल देता है मैकियावेली, कहता है कि शेर बहुत बलशाली होता है, लेकिन आपको मालूम है ना, जब पिंजड़े में फंस जाता है, बाड़े में फंस जाता है तो निकल नहीं पाता। छोटे छोटे बच्चे भी उंगली दिखा के चिढ़ाते हैं उसे, चिड़ियाघर में देखा होगा आपने। तो साहस तो है शेर में, लेकिन अगर फंदे में फंस गया तो वो निकल नहीं पाता। लोमड़ी, लोमड़ी में साहस नहीं है, लेकिन ये फंदे से बाहर निकलना जानती है, समझ रहे हैं? तो लोमड़ी चालाकी से, धूर्तता से फंदे से बाहर निकल सकती है। बट ये भी हकीकत है कि आपने सुना होगा कि भेड़िया अक्सर लोमड़ी का शिकार कर लेते हैं। तो भेड़िया लोमड़ी का शिकार क्यों कर लेते हैं? क्योंकि चालाक तो है लेकिन साहसी नहीं है, मजबूत नहीं है। तो मैकियावेली अपने राजा में शेर और लोमड़ी दोनों का गुण देखना चाहता है। और दोनों का गुण क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि आम तौर पे जो जनता है, जो आम जनता है सामान्य जनमानस है, वो कैसी है? धूर्त है, मक्कार है, कायर है, धोखेबाज है, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इन पर शासन चलाने के लिए राजा शक्ति बरत सके, इसके लिए उसमें शेर जैसा साहस चाहिए। प्लस इनको मान लो एक्स वाई जेड वायदे किया कि हाँ साहब, आपके लिए हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, मौका मिलते ही राजा उन वायदे से पलट जाए, 15-15 लाख देंगे, पलट जाए। तो मैकियावेली के अनुसार तो ये फिट बैठता है, तो राजा को जब मौका मिले जनता की आंखों में धूल झोंक सके। भाई चालाकी के युद्ध में सफल वही होता है जो विरोधी की आंखों में धूल झोंक सके। समझ रहे मेरी बात? मैकियावेली तो यहां तक कहता है कि आम जनता पर या सामान्य जनमानस पे आप क्या भरोसा करोगे? एक आम इंसान अपने बाप की मृत्यु को जल्दी भूल सकता है, लेकिन अपने बाप द्वारा छोड़ी हुई वसीयत के अगर नुकसान हो जाए, बाप ने कोई वसीयत छोड़ी है और उस वसीयत का उसे नुकसान उठाना पड़े, तो इस नुकसान को वह लंबे समय तक नहीं भूल पाता, मृत्यु को भूल जाएगा। तो कहा कि जब लोग इतने दुष्चरित रहे तो ऐसे लोगों के लिए राजा अगर धूर्त हो, राजा अगर कठोर हो, तो कोई बुराई नहीं है। समझ रहे? तो एक बार देख लेते हैं कि अरस्तु ने जो तुलनात्मक राजनीति को लेकर अपना विचार प्रस्तुत किया, तो उस विचार के अंदर शासन प्रणाली का कौन सा स्वरूप इंगित किया है ना? अरस्तु नहीं थी, मैकियावेली। तो आप कह लीजिए मैकियावेली के अनुसार शासन प्रणालियों का वर्गीकरण, राइट? मैकियावेली दो तरह की शासन प्रणालियों की बात करता है। जाहिर सी बात है, मैं पहले ही आपको बताया कि वो शासन प्रणालियों का वर्गीकरण इस आधार पर करता है कि कौन सी शासन प्रणाली किस तरह के लोगों के लिए है, और लोगों को उसने दो भागों में बांट दिया। एक लोगों का वह तबका जो सच्चरित्र है, यानी अच्छे चरित्र का है, चरित्रवान लोगों का, और दूसरा लोगों का वह तबका जो दुष्चरित्र है। समझ रहे हैं?
तो शासन प्रणाली की इसने दो स्वरूपों की बात की। एक शासन प्रणाली का आदर्श स्वरूप, आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, शासन प्रणाली का आदर्श स्वरूप, और दूसरा शासन प्रणाली का व्यवहारिक स्वरूप। समझ रहे हैं, शासन प्रणाली का व्यवहारिक स्वरूप। शासन प्रणाली के आदर्श स्वरूप को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या गवर्निंग सिस्टम, और दूसरा प्रैक्टिकल फॉर्म, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या गवर्निंग सिस्टम, राइट। उसने कहा कि शासन प्रणाली का जो आदर्श स्वरूप होगा वह रिपब्लिक होगा। ध्यान रखेंगे, रिपब्लिक, रिपब्लिक बोले तो गणतंत्र, गणतंत्र, जाहिर सी बात है इसका इशारा किधर रहा, लोकतंत्र की तरफ, बहुतंत्र की तरफ, बहुत लोगों का शासन या सभी लोगों का शासन। तो यह कहा कि यह शासन प्रणाली का आदर्श स्वरूप है गणतंत्र, और यह किसके लिए है, सच्चरित्र लोगों के लिए, वेल बिहेव्ड पीपल के लिए, फॉर वेल बिहेव्ड पीपल। शासन प्रणाली का व्यवहारिक स्वरूप क्या है, सीधे बोला राजतंत्र। और आपको नहीं लगता कि मैकियावेली इशारे इशारे में निरंकुश राजतंत्र की वकालत करता है, खुल के नहीं बोलता लेकिन इशारे इशारे में किसकी वकालत करता है, निरंकुश राजतंत्र। क्योंकि राजा में ये क्या ढूंढ रहा है, राजा में ये शेर और लोमड़ी दोनों का गुण ढूंढ रहा है, और जिन पर हुकूमत की जानी है सारा दोष उन्हीं में निकाल रहा है। राजतंत्र किस तरह के लोगों के लिए शासन है, दुष्चरित्र लोगों के लिए। तो देख रहे हैं, मैकियावेली शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किन वर्गों में करता है, दो वर्गों में करता है ना, दो वर्गों में। रिवाइज करिए मेरे साथ, पहला वर्ग क्या है, शासन प्रणाली का आदर्श वर्ग जिसको नाम दिया रिपब्लिक, दूसरा शासन प्रणाली का व्यवहारिक वर्ग, व्यवहारिक वर्ग जिसका नाम इसलिए क्या दिया राजतंत्र, और क्या बताया रिपब्लिक किसके लिए उचित है, सच्चरित्र लोगों के लिए, और राजतंत्र किसके लिए उचित है, दुष्चरित्र लोगों के लिए। और कहता है कि सच्चरित्र लोगों की जो शासन प्रणाली है यानी रिपब्लिक है, रिपब्लिक को लेकर मुझे कोई चिंता नहीं है, यहां पर जो भी हुक्मरान होगा, जो भी शासक होगा, वो बड़ी आसानी से शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन कर सकेगा, क्योंकि लोगों की तरफ से कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लोग सच्चरित्र हैं, अच्छे हैं, वेल बिहेव्ड हैं। लेकिन राजतंत्र होता ही दुष्चरित्र लोगों के लिए, लिहाजा राजा को हर परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा, और वो हर तरह की परिस्थितियों से तभी निपट पाएगा जब उसमें शेर और लोमड़ी के गुण हो, साहसी भी हो, धूर्त भी हो, चालाक भी हो। क्लियर है यहां तक बात, गुड। चलिए हेडिंग डालेंगे, तुलनात्मक राजनीति में, तुलनात्मक राजनीति में मैकियावेली का योगदान, और ऐसा लिख के आगे डैश देंगे, तुलनात्मक राजनीति में मैकियावेली का योगदान, डैश। नाउ वी स्टार्ट राइटिंग, प्लीज टेक डाउन, प्लीज। देखिए, अरस्तु के बाद, अरस्तु के बाद
कई शताब्दियों तक, अरस्तु के बाद कई शताब्दियों तक तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई, पूर्ण विराम। फिर नया सेंटेंस लिखेंगे। आधुनिक युग के प्रारंभ में, यानी 15वीं शताब्दी के, उत्तरार्ध में जब इतालवी, जो इटली का होता है उसको क्या लिखते हैं, इतालवी राजनीतिक दार्शनिक 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब इतालवी राजनीतिक दार्शनिक मेकियावेली ने शासन की कला, मीन्स द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, मेकियावेली ने जब शासन की कला पे अपने विचार प्रस्तुत किए, तो उसने तुलनात्मक राजनीति की दृष्टि से भी, महत्वपूर्ण संकेत दिए, मेकियावेली ने यह सुझाव दिया, कि किसी देश के लिए उपयुक्त शासन प्रणाली का, उचित है ना, किसी देश के लिए उपयुक्त शासन प्रणाली का निर्णय करते समय, वहां के लोगों के चरित्र को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, फुल स्टॉप मतलब ऐसे पूर्ण विराम दे देंगे, खड़ी भाई, यानी कि फुल स्टॉप लिख लेंगे, मेकियावेली का मानना है
मेकियावेली का मानना है कि जिस देश के लोग सच्चरित्र होंगे, उनके लिए गणतंत्र उपयुक्त होगा, मतलब उचित होगा, उनके लिए गणतंत्र उचित होगा। क्योंकि उसके अनुसार, मतलब मेकियावेली के अनुसार, क्योंकि उसके अनुसार गणतंत्र ही सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। और इस लाइन को आप टिक कर लेंगे, गणतंत्र ही सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। एंड हाईलाइट दिस लाइन, हाईलाइट दिस पॉइंट, गणतंत्र ही सर्वोत्तम शासन प्रणाली है, फुल स्टॉप। वहीं दूसरी तरफ जिस देश के लोग नितांत स्वार्थी और लालची हों, उन्हें वश में मतलब कंट्रोल में, नियंत्रण में, उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए किसका सहारा लेना होगा बताओ? दुष्चरित्र लोगों के लिए मैकियावेली कहता है राजतंत्र का सहारा लो, उन्हें वश में रखने के लिए राजतंत्र का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में लिखेंगे, मेकियावेली ने यह भी बताया कि राजतंत्र के अंतर्गत एक कुशल शासक को कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, यानी नुस्खे अपनाने चाहिए, नुस्खे। संक्षेप में अगर कहा जाए तो मेकियावेली ने तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में दो तरह से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहला देख रहे हैं, लोगों का चरित्र और जैसा चरित्र हो उसके तहत कैसी शासन प्रणाली हो उसके बीच सह संबंध बनाने का प्रयास किया, है ना। दुष्चरित्र लोगों के लिए राजतंत्र, सच्चरित्र लोगों के लिए गणतंत्र।
इनमें सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया। तो लिखिए, पहला, उसने लोगों के चरित्र व उपयुक्त शासन प्रणाली के मध्य सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया। दूसरा, उसने राजतंत्रात्मक व्यवस्था को अत्यधिक कठिन व जटिल मानते हुए इसकी समस्याओं के ऊपर मीन्स राजतंत्रात्मक व्यवस्था की समस्याओं के ऊपर विस्तृत विचार प्रस्तुत किए राजतंत्रात्मक व्यवस्था की फ्रेश सेंटेंस है राजतंत्रात्मक व्यवस्था की समस्याओं को सुलझाने के लिए उसने विभिन्न नीतियों तौर तरीकों यानी युक्तियां विभिन्न नीतियों कोमा तौर तरीकों इत्यादि का लागत लाभ इत्यादि का लागत लाभ विश्लेषण प्रस्तुत किया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस शो किया लागत लाभ विश्लेषण प्रस्तुत किया तथा तथा इटली के भावी शासक मतलब भविष्य में बनने वाला शासक इट मीन्स अगला शासक कैसा होना चाहिए तथा इटली के भावी शासक को सबसे अधिक लाभदायक नीति अपनाने की सलाह दी फुल स्टॉप। मेकियावेली कहता है कि एक कुशल शासक के अंदर शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए वह कहता है
कि शेर बहादुर होता है किंतु वह कहता है, कौन कहता है, मैकियावेली, कि शेर बहादुर होता है किंतु जब वह फंदे में फंस जाता है तो बाहर नहीं निकल पाता। लोमड़ी बहुत चालाक होती है, किंतु वह भेड़ियों से अपनी रक्षा नहीं कर पाती, शासक को यानी राजा को फंदे से बाहर निकलने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक तथा भेड़ियों को भगाने के लिए शेर की तरह साहसी होना चाहिए। ये सारा गुण वो किस में देखना चाहता है? इटली के अपने भावी राजा में। शेर की तरह साहसी होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए। चेंज द पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। यदि सभी मनुष्य सच्चरित्र हो यानी चरित्रवान हो यदि सभी मनुष्य सच्चरित्र होते तो राजा या शासक को चाल चलने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि सभी मनुष्य सच्चरित्र होते, चरित्रवान होते, तो राजा अथवा शासक को कोई चाल चलने की आवश्यकता नहीं होती। पर चूंकि मनुष्य साधारणतः दिस वे यू शुड राइट, साधारणतः कृतघ्न, धूर्त, मकार, सनकी, डरपोक तथा लालची होते हैं इसलिए उनके मन में डर पैदा करके ही
उन्हें वश में किया जा सकता है, उन्हें वश में किया जा सकता है। मोहब्बत या प्रीति पैदा करके नहीं, मोहब्बत या प्रीति पैदा करके नहीं, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, मैकियावेली के अनुसार, मैकियावेली के अनुसार लोग जितना जल्दी अपने पिता की मृत्यु को भूल जाते हैं, मैकियावेली के अनुसार लोग जितना जल्दी अपने पिता की मृत्यु को भूल जाते हैं, मौत को भूल जाते हैं, उतना जल्दी अपनी पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं, उतना जल्दी अपनी पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं। फुल स्टॉप। फिर लिखेंगे, ऐसे धूर्त और मक्कार लोगों के साथ, ऐसे धूर्त और मक्कार लोगों के साथ ऐसे धूर्त और मक्कार लोगों के साथ व्यवहार करते समय, ऐसे धूर्त और मक्कार लोगों के साथ व्यवहार करते समय राजा अथवा शासक को केवल सच्चरित्रता का ढोंग करना चाहिए। क्या कहता है मैकियावेली? सच्चरित्रता का ढोंग करना चाहिए तथा समय आने पर उसे अपना वचन तोड़ने का कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ लेना चाहिए देखो राजा को कैसी कैसी सलाह दे रहा है मैकियावेली। समय आने पर उसे अपना वचन तोड़ने का कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ लेना चाहिए। क्योंकि लोमड़ी अथवा चालाकी की खेल में जो खिलाड़ी सबकी आंखों में धूल झोंक सके वही बाजीगर कहलाता है।
इज इट ओके? अब हम लोग बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में मॉन्टेस्क्यू का योगदान। ये एक फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक है ना। तो मॉन्टेस्क्यू के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हमने तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में मैकियावेली का क्या कुछ योगदान है इसके बारे में पढ़ा। यानी हम लोग दो थिंकर यहाँ पढ़ चुके हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग। एक हमने पढ़ा अरिस्टोटल के बारे में यानी अरस्तु, और दूसरा मैकियावेली। कल हम लोग पढ़ेंगे मॉन्टेस्क्यू। तो इस तरीके से अभी एक एक करके चलिए। आशा करता हूँ कि अब धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा इस सब्जेक्ट में। पहले अरस्तु के बारे में आपने पढ़ा, आज मैकियावेली के बारे में पढ़ा, और दोनों के द्वारा जो भी विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को लेकर, है ना, निसंदेह आपके मन में एक इनको लेकर एक रुझान पैदा हुआ होगा। आप दोनों के विचारों के मध्य भी तुलनात्मक अध्ययन कर पा रहे होंगे कि अरस्तु का क्या संदर्भ है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को लेकर, और मैकियावेली का क्या है मॉन्टेस्क्यू। यह और इंटरेस्टिंग होगा, और इसके बारे में थोड़ा मोड़ा पहले भी पढ़े होंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते समय, खास करके शक्ति पृथक्य का सिद्धांत या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, Doctrine of Separation of Power। तो मॉन्टेस्क्यू आपके लिए पूरी तरह नया नवेला नहीं है। अरस्तु और मैकियावेली नो डाउट आप में से अधिकांश लोगों के लिए ये नए थे, बट अब ये नए नहीं रहेंगे। धीरे धीरे करके ये इतनी बार आएंगे अलग अलग संदर्भ में कि सब कुछ दिखने लगेगा कि हाँ, इस दार्शनिक की क्या सोच थी, इसकी क्या सोच थी, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यही विराम देते हैं। रात के 1:30 बज रहे हैं, मतलब रिकॉर्डिंग का 1:30 बज रहा है। आप तक तो ये लेक्चर सुबह में चला जाएगा 10 बजे बिल्कुल सॉलिड। अभी आप देख रहे होंगे तो आपकी घड़ी में आई थिंक 11:30 बज रहा होगा, है ना, 11:30 पौने बाद। ओके देन, सी यू टुमारो, थैंक यू।